सब्सक्राइब करें स्टडी नॉलेज चैनल को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले वीडियोस पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं फिर से मायसेल्फ अनिल कुमार यादव सूरज। स्टूडेंट, आप हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से खुलेगा, आपको लाल रंग के सब्सक्राइब पे क्लिक करना है और बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी पैटर्न के जो भी बदलाव होंगे और जो भी सूचना होगा उस सभी का सूचना मैं इस पे देने वाला हूँ। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्लास वाइज आप जुड़ सकते हैं। सभी वीडियो देखने के लिए हर एक वीडियो के लास्ट में एक प्रीवियस और एक नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद ये वीडियो बनाया जा रहा है, क्लास 12 एनसीईआरटी पैटर्न्स अभ्यू के विविध प्रश्नावली को। विविध प्रश्नावली के मैं जल्दी वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट करने पे ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो देखिए, समझा देते हैं इसमें भी। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मैंने क्वेश्चन लिया विविध प्रश्नावली से, वो है मान लीजिए कि ए इज इक्वल टू मान दिया है, हो तो दिखाइए कि सभी एन बिलोंग टू एन के लिए। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है, जहाँ 1:2 का तत्समक अभ्यू है। जो तत्समक अभ्यू हमारा है वो है 1:2, मतलब 2/2 का अभ्यू है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन दोनों को हमें ध्यान में रखना है, और क्या बोला है, एन बिलोंग टू एन के लिए, इसके लिए हमें निकालना है। तो चलिए इस ए की वैल्यू को ध्यान में रखते हुए हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। हम आपको बता दें कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो चाहे आपके टीचर हो चाहे आप हो, कन्फ्यूज तो ज़रूर होते हैं, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है। तो चलिए हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं, यदि आप समझ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाते हैं तो फिर से समझाने की कोशिश किया जाएगा। तो हल करते हैं, यहाँ पे हल करते हैं। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड क्वेश्चन में दिया है और ए की वैल्यू दिया है। चलिए तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में इस वैल्यू को पुट करते हैं, तो लिखेंगे बायां पक्ष। बायां पक्ष में देखिए ए आई इकाई अभ्यू लेंगे 2/2 के क्रम का, 1001, और प्लस बी ए की वैल्यू ये रखेंगे 0100, ये ए की वैल्यू हो गया। अब टोटल के पावर एन है तो हम क्या करेंगे, इन टोटल के पावर को एन बनाएंगे, ये हो गया पावर एन, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा अब इसको ए का गुणा करेंगे, बी का गुणा करेंगे, तो ए का गुणा हो जाएगा ए 0 ए, ठीक है, ये तो हो गया गुणा। अब प्लस इसी तरह बी का गुणा करेंगे तो 0 बी 0 0, और टोटल के पावर एन, ठीक। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देना, तो हो जाएगा ए और ये 0 बी जोड़ेंगे तो बी, 0 0 जोड़ेंगे 0, ए ये हो गया ए की पावर एन। ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड के लिए, तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपको समझ में आ गया। अब आते हैं राइट हैंड साइड, मतलब दायां पक्ष। अब दायां पक्ष देखिए, दायां पक्ष हमारा क्या था, ए पावर एन आई था, अब प्लस एन ए के पावर एन माइनस वन बी ए, ये हमारा दायां पक्ष था। तो इसमें हम पुट करते हैं मान, तो देखिए ए पावर एन आई, आई हमारा क्या है 1001, ये हमारा आई हो गया, प्लस एन ए के पावर एन माइनस वन बी ए की वैल्यू हमारा दिया है 0100, ये हो गया ए की वैल्यू, ठीक है। अब रखने के बाद इसका गुणा करेंगे तो ए पावर एन 0 0 ए पावर एन, ये हो गया प्लस। अब इस सभी का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पे केवल वन में गुणा होगा, बाकी सब 0 है तो 0 हो जाएगा, लिखेंगे 0 एन ए पावर एन माइनस वन बी, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद आपको इसको जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, इन दोनों को जोड़ना है तो हमें मिल जाएगा, इसको 0 में जोड़ेंगे तो ए पावर एन, 0 का इसमें जोड़ेंगे तो वही संख्या मिल जाएगा, फिर 0 का 0 में जोड़ेंगे 0, ए पावर एन का 0 में जोड़ेंगे तो ए पावर एन, ये मिल गया हमारा दायां पक्ष। तो दो चीज़ें मिला, एक दायां पक्ष मिला और एक बायां पक्ष मिला। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, गणितीय आगमन का सिद्धांत लेना है। गणितीय आगमन का सिद्धांत होता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को रख कर
हल करना। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड का मान रखेंगे और राइट हैंड साइड मान को रखकर हल करते हैं। अब गणितीय आगमन का सिद्धांत हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो मान लेते हैं पी एन इज इक्वल टू ये है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ये दोनों मान तो मैंने रख लिया। अब रखने के बाद इसको क्या करना है, हम यहाँ पे एन बराबर वन रखते हैं, जो एन हमारा दिख रहा है उसको एन रखने पर, जब हम एन रखेंगे तो क्या मिलेगा, एन बराबर वन तो मिलेगा ए बी जीरो ए पावर वन, तो इसको छोड़ देते हैं और यहाँ पे मिल जाएगा ए पावर वन छोड़ देते हैं और ये वन का गुणा करेंगे तो टोटल वही संख्या आएगा, ए पावर वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा और ये बी और ये जीरो और ये ए, ये हो गया। या कह सकते हैं इसको एक बार और हल करेंगे तो मिल जाएगा ए बी जीरो ए और यहाँ पे ए ये तो वन हो जाएगा बी जीरो ए। देखिए ये सेम का सेम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच कर रहा है। कह सकते हैं कि एन बराबर वन रखने पर क्या मिल रहा है, जो पी एन मेरा मिल रहा है, जो मैंने अभी पी एन माना था, ये पी एन वो क्या है, सत्य है। सत्य क्यों है, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, पी बराबर वन रखने पे ये दोनों बराबर आ गए, इसलिए पी एन हमारा सत्य है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं एन बराबर के रखने पर, एक बार वन रखना है एक बार के रखना है, तो के रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो रखेंगे ए बी और जीरो ए, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, पावर एन था उसके स्थान पे के रखना है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में रखेंगे ए के पावर के, तो एन था के ए के पावर के माइनस वन बी और यहाँ पे जीरो ए के पावर के, ये मैंने राइट हैंड साइड में भी हर एन के स्थान पे मैंने के रख लिया। देख लीजिए जहां जहां पे एन था मैंने वहां वहां पे क्या किया, के रख लिया। रखने के बाद देखिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं आ रहे, इसको बराबर करने के लिए क्या करते हैं, हम करते हैं दोनों पक्षों में क्या गुणा, दोनों पक्षों में ए बी जीरो ए से गुणा करते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों में गुणा, इसका इधर भी गुणा करेंगे इधर भी गुणा करेंगे, तो दोनों पक्षों में गुणा करने से पहले हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लेते हैं अलग और राइट हैंड साइड को अलग। तो ए बी जीरो ए के पावर के, ये तो ऑलरेडी था और उसका गुणा करेंगे ए बी जीरो ए। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा करेंगे, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये देखिए सेम आप व्यू तो मिल रहा है, यहाँ पे वन है यहाँ पे के है, तो पावर हमारा जुड़ जाएगा। जब पावर जुड़ेगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ए बी जीरो ए के पावर के प्लस वन, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड के लिए। अब इसी तरह राइट हैंड साइड आएंगे तो हमारा जो राइट हैंड साइड ये दिखा है, इस राइट हैंड साइड में ये गुणा करेंगे और उसके बाद देखेंगे पावर क्या आ रहा है। देखिए अब ये हमारा है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में मैंने ये गुणा कर लिया जो मैंने बताया था, अब इसको गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ए के पावर के गुणे ए और ए के पावर के बी प्लस के ए के पावर के माइनस वन ये और बी गुणे ए। ठीक है, और नीचे हमें मिल जाएगा जीरो और इधर मिल जाएगा हमारा ए के पावर के गुणे ए, ये मिल गया। अब मिलने के बाद इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये दोनों जो है ए ए है हमारा पावर वन है तो इसको जोड़ देते हैं, तो ए के पावर के प्लस वन ये हो गया और इधर साइड के प्लस वन को कॉमन करेंगे तो मिल जाएगा ए के पावर के प्लस ए के पावर के बी, ये मिल गया। और नीचे हमारा तो जीरो है और ये हमारा है ए के पावर के प्लस वन, ये मिल गया। ठीक है, अब देखिए ये चीजें तो मिल गया, मतलब क्या है एन के स्थान पे हमें मिल रहा है के प्लस वन के प्लस वन के प्लस वन, तो जहां जहां पे एन था वहां वहां पे मिल रहा हमें क्या के प्लस वन। तो कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा आया था वो आया था हमारा ए बी जीरो ए ये था और पावर हमारा के प्लस वन था, और राइट हैंड साइड ये आया हुआ है, लिखेंगे ए के पावर के प्लस वन और यहाँ पे के प्लस वन ए के पावर के और बी और यहाँ पे नीचे जीरो और ये है ए के पावर के प्लस वन। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया है, ये राइट हैंड साइड आया है। अब देखिए जहां जहां पे एन था वहां वहां पे आया हुआ है हमारा क्या के प्लस वन, तो कह सकते हैं हम अच्छी तरह से कि जो हमारा पी एन है वो क्या है एन इज इक्वल टू के प्लस वन पे संतुष्ट कर रहा है। जब ये संतुष्ट करेगा तभी वो एन बिलोंग टू एन के सभी मान को सत्य करेगा। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इस तरह से एक एन बराबर वन रख के हल करना है
और एक एन बराबर के रख के हल करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू है, यदि ए की वैल्यू ये दिया है सभी वन वन वन, तो सिद्ध कीजिए कि ए पावर एन इज इक्वल टू ये होना चाहिए, जबकि बोला है एन बिलोंग टू एन। तो चलिए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम ले लेते हैं और ए की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो ए के पावर के हमारा सॉरी ए के पावर एन ये हमारा दिया है क्या लेफ्ट हैंड साइड के लिए, ठीक है, और राइट हैंड साइड के लिए ये है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लिए हल कर लेते हैं, तो रखेंगे एन बराबर वन के लिए। तो सबसे पहले एन बराबर वन रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा ए के पावर एन के स्थान पे वन रखेंगे, मतलब ए मिल जाएगा। और ए की जो वैल्यू दिया गया है वो है वन वन वन, ये दिया है ए की वैल्यू, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का मान हमें ये मिल गया। अब हम हल करेंगे राइट हैंड साइड को, तो राइट हैंड साइड हमारा क्या है, ये दिया गया है, तो इसमें हम क्या रखेंगे एन बराबर वन, तो सभी में वन रखेंगे तो मिल जाएगा वन माइनस वन जीरो, तीन के पावर जीरो, तीन के पावर जीरो, तीन के पावर जीरो, इस तरह हम करेंगे राइट हैंड साइड में। तो लिखेंगे तीन के पावर जीरो, तीन के पावर जीरो, तीन के पावर जीरो, ये सभी में तीन के पावर जीरो ही आ जाएगा क्योंकि घट जाएगा आपस में, ठीक है। और आपको पता है किसी भी संख्या के पावर जीरो इज इक्वल टू वन होता है, तो ये भी हो जाएगा वन 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 और ये वन, ठीक है, ये वैल्यू भी आ गया वन। तो इससे हमें क्या मिला, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड था, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू सेम आया हुआ, तो कह सकते हैं एन बराबर वन पर पी एन का मान हमारा सत्य है। एक तो हमारा सत्य मिल गया एन बराबर वन पे, अब हम क्या करना है एन बराबर के रख के देखना है कि क्या इस पे सत्य है, अगर इस पे भी सत्य है तो हमारा आंसर सही होगा, जो प्रूफ करना है वो प्रूफ हो जाएगा। चलिए इसको रखते हैं। तो देखिए एन बराबर के रखने पर तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड ए के पावर एन था वहां पे के हो गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड थ्री के पावर एन माइनस वन, मतलब के माइनस वन, तो सभी में वही चीजें करेंगे क्योंकि सबका मान वही दिया है, तो यहां पे भी के माइनस वन और ये थ्री के पावर के माइनस वन, थ्री के पावर के माइनस वन, और सेम नीचे भी थ्री के पावर के माइनस वन, थ्री के पावर के माइनस वन और ये भी थ्री के पावर के माइनस वन, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है अभी तो नहीं है, लेकिन बराबर करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में हम ए से गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में ए से गुणा, ए से गुणा करेंगे, तो दोनों पक्षों में करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिल जाएगा ए ए के पावर के, और राइट हैंड साइड में हमारा जो मान दिया गया है थ्री के पावर के माइनस वन, थ्री के पावर के माइनस वन, थ्री के पावर के माइनस वन, सभी को जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, थ्री के पावर के माइनस वन, नीचे थ्री के पावर के माइनस वन, थ्री के पावर के माइनस वन और थ्री के पावर के माइनस वन, ये हमारा दिया गया था और उसमें भी ए का हमें गुणा करना है, तो मैंने दोनों पक्षों में ए का गुणा कर लिया, ठीक है। अब दोनों पक्षों में तो गुणा कर लिया, सबसे पहले राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए ए ए के पावर के है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा ए के पावर के प्लस वन मिल जाएगा, ये पावर वन था, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिल गया, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये हो गया। अब हम राइट हैंड साइड को हल करेंगे, राइट हैंड साइड में देखिए राइट हैंड साइड में इस ए की वैल्यू को हमें पुट करना है जो दिया था वन 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 वन, तो इस वैल्यू को हमें रखना है वन 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 वन, ये रखेंगे, रखने के बाद हमें क्या करना है डायरेक्ट उसमें मल्टीप्लीकेशन करना है, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो थ्री इंटू थ्री के पावर के माइनस वन, और दूसरे में भी थ्री इंटू थ्री के पावर के माइनस वन, थ्री इंटू थ्री के पावर के माइनस वन, और इसी तरह सभी में हो जाएगा थ्री इंटू थ्री के पावर के माइनस वन, थ्री इंटू थ्री के पावर के माइनस वन, थ्री इंटू थ्री के पावर के माइनस वन, इस तरह नीचे भी कर लेते हैं, ये हो गया और यहाँ पे भी हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये थ्री कहाँ से आया, तो थ्री देख लिए कहाँ से आ गया, जब हम इसमें इस एक स्थान पे वन 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 रखेंगे, ठीक है, जब हम ये वन रखेंगे तो हमें सभी में गुणा करना पड़ेगा,
पहले में गुणा करेंगे, फिर प्लस दूसरे में गुणा करेंगे, फिर प्लस तीसरे में गुणा करेंगे, तो सभी में जोड़ेंगे तो ये 111 आएगा, तो उसको जोड़ेंगे तो हमें 3 आ जाएगा, 3 इंटू ये मान। तो ये चीज़ें समझ में आ गया। अब देखा जाए तो हमें इससे क्या मिल रहा है, अगर इससे देखा जाए इसको हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये 1 और ये -1 मिलके 1 घट जाएगा, तो मिल जाएगा 3k, सभी में वही चीज़ें मिल जाएगी। समझ में आई ये कैसे आया, ये 1 हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि आधार समान है, तो 3k 1 प्लस के माइनस वन, तो -1 प्लस 1 से कट जाएगा, बचेगा 3k, वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया राइट हैंड साइड के लिए। अब ये तो हो गया, अब इसके करने के बाद देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सभी में +1 -1 जोड़ देते हैं, तो लिखेंगे 3k, अब +1 जोड़ देते हैं और -1 घटा लेते हैं, तो सभी में वही चीज़ें करेंगे, k+1 -1, 3k+1 -1। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने जो लेफ्ट हैंड साइड में लाया वो a k+1 आया था, अब इसको बराबर करने के लिए मैं इन सभी में ये कर रहा हूँ, और यहाँ पे -1, 3k+1 और -1, तो 3k+1 और ये -1, इसी तरह 3k+1 और ये -1, 3k+1 -1, 3k+1 और ये -1, इस तरह मैंने इसमें भी कर लिया। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड हमारा मिला a k+1 और राइट हैंड साइड हमारा ये मिला। तो देखिए जहां जहां पे n था वहां वहां पे क्या मिला है, n = k+1 मिला है, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये हमारा pn सत्य है, pn हमारा किसके लिए, n = k+1 के लिए सत्य है, इसलिए n = n ये मान को संतुष्ट करेगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीन। यदि a = 3 - 4 1 - 1 तो सिद्ध कीजिए कि a^n = ये मान, जहां n एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक मतलब कोई भी संख्या हो सकता है लेकिन प्लस में n की वैल्यू, तो यहां पे ये चीजें दिया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे n = 1 रखेंगे, ये रख के चेक करते हैं क्या n = 1 हमारा इसको संतुष्ट करता है। तो n = 1 लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो a^1 = 1 + 2 × 1 और यहाँ पे हो जाएगा -4, n का मान 1, ठीक है, n के स्थान पे 1 और यहाँ पे 1 - 2 × 1, ये मैंने वैल्यू रख दिया। रखने के बाद अब यहाँ पे तो a आ गया क्योंकि a^1 = a, अब इस a की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, ये वाला मान रखेंगे, तो रखेंगे 3 - 4 1 - 1, ये हो गया = राइट हैंड साइड क्या है, 1 + 2 = 3, ये हो गया -4, ये हो गया 1 और ये हो गया -1, ठीक है। अब इससे हमें क्या मिल रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के मान के बराबर आ रहा है, अगर ये बराबर आ रहा है तो कह सकते हैं जो pn हमारा है वो n = 1 को संतुष्ट कर रहा है, या ये सत्य है, तो n = 1 तो पहला हमारा सत्य हो गया। अब हमें दूसरा क्या करना है, आपको पहले ही पता है, दूसरा हमें n = k रख के चेक करना है कि क्या ये भी सत्य है, तो रखेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या हो जाएगा, a^k हो गया, ठीक, और राइट हैंड साइड में रखेंगे तो राइट हैंड साइड में 1 + 2 n के स्थान पे k और नीचे हमारा k, यहाँ पे -4k और यहाँ पे हो जाएगा 1 - 2k, ये मैंने रख लिया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेकिन अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, अब इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों पक्षों में a से गुणा कीजिए या उसके मान से गुणा कीजिए, दोनों मतलब एक ही है, तो a से गुणा करेंगे तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड a * a^k या यहाँ पे 1 है तो a^ क्या मिल जाएगा, k + 1, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो राइट हैंड साइड को भी हमें जहाँ जहाँ पे ये k दिख रहा है वहाँ पे k + 1 बनाना पड़ेगा। अब हम हल करते हैं राइट हैंड साइड, जैसा कि मैंने अगले क्वेश्चन में भी आपको हल करके बताया था। राइट हैंड साइड में देखिए 1 + 2k
यहाँ पे -4k, यहाँ पे k और यहाँ पे 1 -2k। ये तो हमारा राइट हैंड साइड ऑलरेडी था, उसमें a से हमें गुणा करना है। a की वैल्यू जो रखेंगे उसको गुणा करेंगे, a की वैल्यू ये है 3 -4 1 1, ये है a की वैल्यू। अब इन दोनों को आपस में गुणा करना है। अब इन दोनों का जो गुणा होगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट गुणा कर लिया हूँ, इसका गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और उसके साथ साथ इसका गुणा हम इसमें करेंगे 1 में तो ये हो गया। फिर उसके बाद इन दोनों का गुणा इसमें साथ हो गया, फिर उसके बाद जो बच रहा है इसका गुणा सेकेंड का, इसका गुणा इधर करेंगे, करने के बाद मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा ये मिल गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, इसको ऐड करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, इतना कैलकुलेट आपको आता है। करने के बाद अब इसको हल करेंगे तो हम क्या इस तरह से बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें के प्लस वन के रूप में बनाना है, तो हम इस 3 को लिखेंगे 1 + 2, मतलब 2k + 1। इससे हमें क्या मिलेगा, 2k + 2 यहाँ पे मिल जाएगा और ये 1 मिलके 3 हो जाएगा। इस चीज़ों को मैं इस रूप में चेंज कर दिया हूँ, और ये यहाँ पे इन सभी को मैं इस रूप में चेंज कर दिया हूँ, जहाँ कि हमें k+1 मिल जाए, k+1 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 ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड था वो हमारा था a के पावर k+1, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था और ये हमारा राइट हैंड साइड मिल गया। अब देखिए k+1 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 है, ये k+1, इन सभी में ये मिला है। तो कह सकते हैं n = k+1 हमारा Pn को संतुष्ट करता है। बस यही आपको सॉल्व करना था कि n = k+1 Pn को संतुष्ट करता है या नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 3 क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे।